माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज 2014 का सबका साथ सबका विकास 2019 में परिवर्तित हो गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अब विश्वास की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुख्य मुद्दा यही है। जो व्यक्ति जिस दंगों में 2500 लोग मरे हो उसकी माफी मांगने तैयार नहीं था, जो व्यक्ति टोपी पहनने में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति केंद्र सरकार का मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए भी राष्ट्रपति जी के रोजा अफ्तार में जाने के लिए तैयार नहीं था, वो आज सबसे पहले भाषण में कहते हैं हमें अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करना। मैं उन्हें बधाई देता हूं, मैं उन्हें इस बात की भी बधाई देता हूं कि आकर सबसे पहले उन्होंने भारतीय संविधान को नतमस्तक हुए। मैं बधाई देता हूं। क्या ये परिवर्तन वाकई में है या केवल जुमला है? मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी अगर वो वाकई में जो कह रहे हैं करके दिखा दें। ये देश सबका है, हम संसद में आते हैं तो सबसे पहले हम महाउपनिषद के उस श्लोक को पढ़ते हैं, अयम निजी परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित नाम तू वसदेव कुटुंबकम। और साथ में आपने नारायण गुरु का भी जो श्लोक पढ़ा है वो भी बात यही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कैसे विश्वास प्राप्त होगा माननीय उपसभापति महोदय? ये सांप्रदायिकता का जहर कूट कूट कर आप लोगों ने भर दिया है। ये भूत ये जिन बोतल में जो बंद था वो निकल गया है और उस बोतल में वापस डालना आसान नहीं है। आप कितना ही यहां पर आप चेयर को देखकर संबोधित करें, आप कितना ही चाहते हुए भी मुस्लिम भाइयों के प्रति, ईसाई भाइयों के प्रति, सिख भाइयों के प्रति उनका सबका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन आपके फुट सोल्जर्स जो पूरे देश में आपने उनके मन में उनके दिमाग में उनके हर चाल चलन में जहर भर दिया है, उसका परिणाम झारखंड में उस लड़के के साथ हुआ। ठीक है अगर उसने चोरी की थी तो आपको क्या अधिकार था कि 18 घंटे तक एक इलेक्ट्रिक पोल में बांधकर उसकी पिटाई करें? अरे वहां क्या सरकार है, वहां का पुलिस क्या कर रही थी, क्या कर रही थी वो पुलिस जो 18 घंटे तक उसकी पिटाई होती रही उसके बावजूद भी देखने तक नहीं आई। अब बताते हैं 11 लोगों गिरफ्तार किया, कौन सी धारा में गिरफ्तार किया ये भी साहब पता नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, इस पूरे देश में जो सांप्रदायिकता का जहर बो दिया है और शुरू से बोया जाता है शिक्षा बच्चों के मन में, आज मुझे इस बात का दुख है, बड़ा दुख होता है माननीय उपसभापति, जब नई विधान लोकसभा में एक तरफ से नारा लगता है जय श्री राम, दूसरे तरफ नारा लगता है अल्लाह अकबर। ये भारत की संसदीय परंपरा का में ये हालात में आप लोगों ने पहुंचा दिया है। ये जहर आसानी से नहीं मिटेगा, कितनी कोशिश कर लीजिए सस्तबुद्धे जी, ये जहर अब कूट कूट कर आपने इस देश की जनता में भर दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत थी जिस पर इस देश का मुसलमान भरोसा करता था। रफी अहमद किदवाई साहब ने, उनके पास कुछ मुसलमान बच्चे गए, उन्होंने कहा कि हमारी इस दिक्कतें हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नेता नहीं हूं, तुम्हारा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि आखिर इस समस्या से कैसे हम लोग निदान पा पाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने हमारे माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे और कह रहे थे
कि हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स की है। उपसभापति महोदय, वोट बैंक पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो कांग्रेस पार्टी को होता है। जहां जहां कम्युनल राइट्स होते हैं वहां वहां हिंदू मुसलमान बढ़ जाता है, और आज पूरे देश में किस प्रकार के लोग आज नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, वो लोग उभर कर सामने आ रहे हैं जो हिंदुओं को भड़काते हैं हिंदुओं में और मुसलमानों को भड़काते हैं मुसलमानों में। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय आज हमारे देश में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय महोदय, कि आज पूरे देश में हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आप कहते हैं हम 2024 तक 5 ट्रिलियन आप यहां की इकोनॉमी पर ले आएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में लाने के लिए आपको जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए 20.11%। अब चिदंबरम जी हमारे पास बैठे हैं, उसको विस्तार से बताएंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स के साथ धोखा किया गया है। दो दो स्टैटिस्टिक्स के अधिकारियों को भगा दिया गया, उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मन मर्जी से वो जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े दे नहीं रहे थे। ये आपने जो कहा है दबाव प्रभाव अभाव, माननीय ये सरकार पूरी दबाव में काम कर रही है और प्रभाव डाल रही है, हर वर्ग पे दबाव डाल रही है, चाहे कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिन पर इन्होंने दबाव नहीं डाला, उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज पूरे 2019 के राष्ट्रपति जी के भाषण में बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है तो इन 5 सालों में बढ़ी है। 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के आज फिगर्स हमारे सामने आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यहां तक अरविंद सुब्रमण्यम जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो जीडीपी के आंकड़े आप लोगों ने दिए थे वो सही नहीं थे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहते थे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनको किस बेतरीके से आप उनका दोहन कर रहे हैं। ONGC जो कि सबसे प्रॉफिटेबल हमारा PSU होता करती थी, वो 2013-14 में 10,000 करोड़ का कैश उसके पास था। आपने उसी ONGC को मजबूर किया, दबाव डालकर गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जिसके 20,000 करोड़ का उसका कर्जा था, मजबूर करके उसको इक्विटी खरीदी गई और हालत यह रह गया कि 10,798 करोड़ से कैश घटकर केवल 29.6 करोड़ बच गया है। उसी प्रकार से माननीय उपसभापति महोदय, HAL जिसको कि डिफेंस मिनिस्ट्री का राफेल का काम मिलना था, जिसने 11,000 अभी 2 मिनट और है मारा जी जी 11,000 करोड़ का जिसके पास इसने कैश ट्रांसफर किया था सरकार को, अब उसकी हालत यह है कि तनख्वाह बांटने के लिए 781 करोड़ रुपए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। बाकी और सारे आंकड़े हैं, मिनिमम आपने कहा गरीबों की बात करते थे नड्डा जी, आपने मिनिमम बैंक अकाउंट जो उसका आपने नियम बनाया और 1 साल में 5,000 करोड़ गरीबों की जेब से निकालकर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया। आतंकवाद की मैं बात करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, इस इनके कार्यकाल में इन्होंने वादा किया था 2014 में कि कश्मीरी पंडितों को वापस सम्मान वापस भेजा जाएगा। कितने कश्मीरी पंडित वापस गए? नंबर ऑफ एक साल में नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 177% इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये जवाब मैंने नहीं दिया है, सरकार की तरफ से आया है। डेथ्स ऑफ जवान्स ऑन टेरर अटैक्स हैज इंक्रीज बाय 106%। 2017 में 354 थे, अब बढ़कर 457 हो गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा की घटना में मेरे पास ये प्रमाण है, ये सिग्नल है जम्मू कश्मीर पुलिस का, आप चाहें तो मैं इसको पटल पर रखने के लिए तैयार हूं, जिसमें कि 8 फरवरी 2019 को IG जम्मू कश्मीर की तरफ से सिग्नल गया CRPF को, आर्मी को, सबको। उसमें कहा गया था, आई रीड, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट
प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपरली एज देयर आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ आईडी मैटर मोस्ट अर्जेंट खत्म सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस नाउ कॉल द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्पीकर डिमांड एन आंसर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर श्री एस मुत्तुकरूपन ग्रॉस इंटेलिजेंस नॉट प्रेजेंट सर दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर श्रीमती विजला सत्यनाथ माननीय सभापति महोदय